सफ़र का आगाज़ जो हुआ था वो आपकी बेटी की फिंगर एम्पिटेशन हुई थी। मेरा ये डेफिनेटली पहला पेशेंट है, मेरी बेटी अपनी है। माशाल्लाह, वेरी इंप्रेसिव रिजल्ट्स। डॉक्टर साहब, आपके पास एक हॉट पोरिच बर्न पेशेंट भी है, उसका ज़रा दिखाइए। ये सिर्फ पीआरपी और स्टेम सेल थेरेपी नहीं करते बल्कि ये कोर्सेज भी करते हैं। पाकिस्तान में रहते हुए हमें वो कोर्सेज मिल रहे हैं जिनके लिए वरना हमें दुबई, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस जाना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम, आज की बात में खुश आमदीद। मैं हूं डॉक्टर मज़ू हुसैन। आज हैं हमारे साथ डॉक्टर फाहद उस्मान। डॉक्टर फाहद उस्मान स्टेम सेल कंसल्टेंट हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं और बोर्ड सर्टिफाइड एस्थेटिक फिजिशियन हैं। ये प्रैक्टिस करते हैं उस्मान मेडिकल सेंटर लाला मूसा में और इन्होंने अपनी स्पेशलाइजेशन की है, एमडी डर्मेटोलॉजी की है फ्रॉम शेख जायद हॉस्पिटल इन लाहौर। और माशाल्लाह इनकी काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं और बहुत सारे मौजू पर बात की जा सकती है। आज मैं चाहूँगा कि इनके साथ बात की जाए स्टेम सेल थेरेपी पे और पीआरपी पे, स्पेशली वूंड हीलिंग के हवाले से। इनके काफ़ी इम्प्रेसिव रिजल्ट्स हैं और मैं ये जानना चाहूँगा कि ये इनका सफ़र कहाँ से शुरू हुआ और इस फील्ड में ये कैसे आए। मगर सिर्फ वूंड हीलिंग पे बात नहीं हो सकती, इनको हम फिर भी बुलाएँगे चूँकि इनकी कुछ खोस एक्टिविटीज़ हैं और बाकी जो कॉलिग्स हैं पाकिस्तान में जो मेडिकल कम्यूनिटी है उनको भी वो कोर्सेज दिलवा रहे हैं, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग कर रहे हैं। और जिन कोर्सेज के लिए पहले हमें बाहर जाना पड़ता था अब वो पाकिस्तान में भी मुहैया हैं। तो माशाल्लाह बहुत बड़ी शख्सियत हैं और बहुत काम कर रहे हैं मेडिकल फील्ड में, क्लिनिकली भी कर रहे हैं और एकेडमिक काम भी हो रहा है। तो वेलकम टू डॉक्टर फाहद उस्मान। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया आपके आने का और मुझे बड़ा फ़ख्र है कि आप हमारे शो में आए हैं और व्यूअर्स को हम प्रेजेंट कर सकते हैं आपकी जो कटिंग एज वर्क है स्पेशली स्टेम सेल थेरेपी में और पीआरपी में। इसके अलावा आप काफ़ी कोर्सेज भी करा रहे हैं डॉक्टर्स को भी और नॉन डॉक्टर्स को। एंड आई नो फ्रेंड्स फ्रॉम नोवे हैव कम टू वन ऑफ योर कोर्सेज। पाकिस्तान में वो आए थे, गोरा था बल्कि अलेक्जेंडर एंड Aisha Nawaz, exactly, mashallah. So they came from Norway to join your course in Pakistan. To mashallah aapka aapki course activity bhi hai, lekin aaj main chahunga ki aap stem cell therapy ke hawale se aur PRP ke hawale se khususi taur par wound healing ke silsile mein aap hame zara agah kare ki aapka aap kaun sa kaam kar rahe hain aur mashallah kya kya results aa rahe hain. Maine स्पेशली आपकी बेटी के हवाले से जो आपके इस सफ़र का आगाज़ जो हुआ exactly. था वो आपकी बेटी की फिंगर एम्पिटेशन हुई थी, फिंगर टिप एम्पिटेशन हुई थी, वहाँ पर आपने माशाल्लाह इतने ज़बरदस्त आपके वो रिजल्ट्स आए थे और उससे आगे बाकी पेशेंट्स को भी इसका फ़ायदा हुआ exactly. तो वो तस्वीरें अगर हमें ज़रा दिखा दें बेसिकली क्योंकि फ़र्स्ट पिक्चर मेरे पास नहीं थी क्योंकि मेरा ये डेफिनेटली पहला पेशेंट है, मेरी बेटी अपनी है। पहली पिक्चर इसलिए नहीं थी क्योंकि वो मेरी लैप में थी, गोद में थी और हम ओटी में थे। जो सर्जन्स थे उनका हमेशा प्लान ये होता है कि जी हमने बच्चे को जीए में करना है, जबकि हमने अपनी मैंने अपनी बेटी को लोकल में ये करवा कर इनकी टिप को हमने किया। क्यों? क्योंकि विद इन टू आवर्स हमने इसको प्रिजर्व करना है और हमने पेशेंट की सर्कुलेशन को या उस जगह टाइमली इस चीज़ की स्टिचिंग वगैरह करके उसको पेशेंट के ऑर्गन को लगाना है। तो इसमें जो चीज़ हमने एक तो वक्त ज़ाया नहीं किया, सेकंड स्टिचिंग के बाद जो दूसरा ये है कि हम हमेशा एडवाइसेस बताते हैं, तो एडवाइसेस फॉलो करने का ये था कि हमने स्लिंग लगवा कर हमने हार्ट के लेवल पे उस चीज़ को रखा ताकि सर्कुलेशन बेहतर हो सके। डेफिनेटली बच्ची थी, 3 ईयर्स की थी, उस पर आपको सबसे बड़ा मसला ये आता है कि बच्चे कई दफ़ा उस चीज़ को मान नहीं रहे होते, ज़िद करते हैं कि हम नहीं करेंगे, बड़ों से प्रोटोकॉल नहीं फॉलो होती एग्जैक्टली तो लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने उस पर काफ़ी कोशिश की क्योंकि उस टाइम अब तो खैर मेरे दो मेरे 3 बच्चे हैं लेकिन एक बच्चे को टैकल करना एक आपके लिए ज़्यादा ईजी होता है बींग ए फादर एंड मदर। तो उस वक्त आपकी बच्ची की उम्र क्या थी? 3 ईयर्स, 3 साल की थी। इनके जो टिप थी वो अनफॉर्चुनेटली दरवाजे में आ गई थी और जो फिंगर टिप थी वो बिल्कुल उतर गई थी और आप ये समझ लें कि बोन जो थी वो नज़र आ रही थी, वो प्रोमिनेंट थी और उसी चीज़ से हम थोड़ा सा घबरा गए थे कि कल को अगर हमने उंगली को बेहतर करना पड़ा तो हमें बोन को भी कहते हैं एम्पुटेट करना पड़ेगा। तो वो चीज़ करने के बाद
आप देख सकते हैं पहली तस्वीर में उसके टिप के जो स्टिचिंग लगी हुई है और आगे फ्रंट पे जो है वो नाखून के नीचे तक जो है। इन दोनों पहली और सेकंड पिक्चर में कितना वक्फा है? अप्रॉक्सीमेटली आप समझ लें कि ये विद इन टू डेज थी पिक्चर जो फर्स्ट वाली थी, और जो सेकंड वन थी वो अप्रॉक्सीमेटली आप समझ लें कि तकरीबन कुछ 10 दिन बाद या 20 दिन के बाद की थी। और आपने पीएचपी कब अप्लाई किया था? अप्रॉक्सीमेटली हमने, क्योंकि आइडिया था, मैं थोड़ा सा क्योंकि लाहौर में था, मैं फिर वापस जब गुजरात गया अपने उधर तो अपने हॉस्पिटल में, तो मेरी ये चीज़ें थिंकिंग चल रही थी कि वी शुड अप्लाई समथिंग। तो पीआरपी में मैं ऑलरेडी काफ़ी चीज़ें, क्योंकि हम हेयर पीआरपी कर रहे थे, तो मेरी फिलॉसफी उस जगह से थोड़ा सा ये हुआ कि हम इधर अगर करें तो इसका नुकसान नहीं है, फ़ायदा मिल सकता है कि रीजनरेशन बढ़ सके। तो दैट वॉज अ थिंकिंग एट दैट टाइम, और उसको फिर हमने इम्प्लीमेंट किया आई थिंक सो विद इन अ वीक। और मैंने विद इन सिंगल सेशन रखा, मैंने कोई इसमें दो या तीन सेशंस पे नहीं गया, एक सेशन करके, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी खूबसूरती वाली बात क्या है, क्योंकि बच्चा जब ग्रोइंग एज में होता है तो वैसे ही बॉडी बहुत अच्छी रिजनरेशन कर रही होती है। सेकेंड, हमने हार्ट लेवल पर उसके हाथ को रखा। थर्ड, हमने पी आर पी इंजेक्ट कर दिया। दैट मीन्स कि हमने कंबाइन करके चीज़ों को तीन एंगल से आपने अटैक किया। तो डैट मीन्स के विद इन थ्री मंथ्स जो आप लास्ट पिक्चर देखेंगे कि उसमें विदाउट, यानी बिल्कुल लाइट सी माइनर सी स्कारिंग है, और वो भी इस वजह से पॉसिबल होगी, मुझे लगता था कि शायद ये भी स्कारिंग ना हो, कि इसने जो लास्ट पे इसका जो स्कैप था वो इसकी जिप में फंस गया था, वो उसकी वजह से जो था वो जो स्कैप था वो उतर गया, जिसकी वजह से सिर्फ माइनस स्कारिंग है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अगर किसी बंदे को अगर हम दिखाएं तो कोई बंदा डिफरेंशिएट नहीं कर सकता कि कोई इस लेवल का भी यानी अगर हुआ आपको पता नहीं कि स्कार है, यू वोंट एग्जैक्टली 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 माशाल्लाह वेरी इंप्रेसिव रिजल्ट्स। एग्जैक्टली, और भी अगर आप रिजल्ट्स व्यूअर्स को दिखा सकते हैं। उसके बाद डेफिनेटली शेखजायद हॉस्पिटल लाहौर में ये एक पेशेंट था जिसको सर्जिकल डिपार्टमेंट ने कहा था कि इनकी एम्पुटेशन होनी है फिंगर टिप की। डायबिटिक थे, अनकंट्रोल डायबिटीज़ के साथ थे, ऑलरेडी सर्जन्स ने टाइम दे दिया था इनको एम्पुटेशन का। हमने स्टार्ट किया अप्रॉक्सीमेटली इनमें जो सेशंस हमारे दरकार हुए, एवरी सेकेंड वीक एवरी थर्ड वीक हम इनके सेशंस कर रहे थे पीआरपी के। आफ्टर डैट जब हमने विद इन टू मंथ्स जब रिजल्ट्स अचीव हुए, तो अक्सर लोग कहते हैं कि सर फिर हम ये बाकी स्कैप का क्या करें, तो फिर हम एक वर्ड यूज़ करते हैं पेयरिंग। पेयरिंग मीन्स कि हमने ब्लेड लेकर जो ऊपर स्लफ था उसको हमने रिमूव किया। रिमूव करने के बाद आप थ्री मंथ्स के बाद एंड रिजल्ट देख सकते हैं कि पेशेंट इज़ क्वाइट हैप्पी एंड इट्स क्वाइट सेटिस्फाइड, और मतलब देर इज़ नो माशाल्लाह। ठीक है, तो उस चीज़ से यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से फिर यह कि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ना स्टार्ट हुआ कि थिंग्स आर हैपनिंग, और चीज़ों को फिर हम फिर नेक्स्ट लेवल पर ले जाना शुरू हो गए। दिस पेशेंट इज़ फ्रॉम मंडी बहाउद्दीन, और इसके भी जो सर्जन थे उन्होंने एम्पुटेशन का कह दिया था। ये डायबिटिक फुट दिखा रहे हैं हमें, और डायबिटिक फुट और डायबिटिक फुट वूंड्स जो हैं वो उनको संभालना बहुत ही मुश्किल है। आप किसी मुल्क में भी जाएं एडवांस से एडवांस सेंटर्स में, वो फ्रस्ट्रेशन ही होती है और उसको मैनेज करना नहायत मुश्किल है। और एम्पुटेशन बेशुमार पेशेंट्स ऐसे हैं जिनके एम्पुटेशन होते हैं, और इवन बड़े बड़े सेंटर्स हैं दुनिया में जहाँ पर एंड रिजल्ट एम्पुटेशन होती है। ऑब्वियसली जितना बेहतर आप उस डायबिटिक फुट का ख्याल रखेंगे उतना ही कम रिस्क होगा वूंड का। अगर हो भी जाए तो अगर आप उसको मैनेज प्रॉपर करेंगे तो ज़्यादा आसानी से कंट्रोल हो सकता है। मगर डायबिटिक फुट को संभालना और उसकी वूंड को क्लियर करना नहायत मुश्किल है। तो डॉक्टर साहब आप सॉरी बता exactly. बात जी अब एक इशू जो सबसे ज़्यादा पेरिफेरी में जाके हमें मिलता है वो ये है कि डायबिटीज़ अपने आप में एक बहुत बड़ा मसला है। सेकंड, अनहाइजीनिकल कंडीशंस, डैट मींस के मेजॉरिटी जो आपको पेरिफेरी के लोग मिलेंगे उनमें फंगस भी मिलेगा, उनमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी मिलेगा। तो डेफिनेटली हमें हर चीज़ को मद्देनज़र रखकर मेडिसिन पे भी जाना पड़ता है, लेकिन हमने इन्फेक्शन को भी हमने देखना है, क्योंकि बहुत सी चीज़ कॉम्प्लीमेंट कर रही होती है। जैसा इन्फेक्शन एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहा होता है और ज़ख्म को ख़राब कर रहा होता है, इसी तरीके से हमने जब ट्रीटमेंट करना है तो हमने भी कम्बिनेशन प्रोटोकॉल्स पे जाना है ताकि हम एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर सकें और रिजल्ट्स को अचीव कर सकें। सबसे बड़ी खूबसूरती पीआरपी की या स्टेम सेल्स की ये भी है कि वो एंटी बैक्टीरियल इफेक्ट भी रखते हैं। बिल्कुल, इम्यून सिस्टम का एग्जैक्टली उसका हिस्सा है। पेशेंट जब हमारे पास आया तो डेफिनेटली ये भी एक रेफरल केस था। विद अ सिंगल सेशन जब हमने
अचीव किया तो पेशेंट का काफ़ी हद तक रीजनरेशन स्टार्ट हो गए और अप्रॉक्सीमेटली विद अ सूर सेशन ऑफ लाइजेट थेरेपी एंड फोटोबायोमोडुलेशन 3 वीक्स अपार्ट हमने अप्रॉक्सीमेटली वूंड को अचीव कर लिया कि हमने उसको क्लोज कर चुके थे। अब लास्ट पिक्चर जो है वी आर वेटिंग फॉर डैट के वो हमें मिल जाए क्योंकि पेशेंट ने अभी फॉलोअप करना है, बट आपके सामने ये है कि हमने बिफोर एंड आफ्टर पिक्चर्स दिखाई हैं आपको कि विद द टू सेशंस क्या चीज़ अचीव हुई है। बहुत जबरदस्त। और ये जो लास्ट पिक्चर आपने दिखाई ये कितना अर्सा पहले की बात है? 2 सेशंस इधर हो चुके थे विद एग्जैक्टली 3 वीक्स अपार्ट। ये जब पहली पिक्चर हम ये शो कर रहे हैं तो ये तो जब पेशेंट मेरे पास प्रेजेंटली जब आए थे, ठीक हो गया, और उसके बाद 2 सेशंस के बाद जो था ये रिजल्ट था। थर्ड सेशन हमने इस पर किया एंड वी आर वेटिंग फॉर द नेक्स्ट वन के जी वो फॉलो पे आए और हम एंड रिजल्ट देख सकें। दूसरी चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट ये है कि हाउ टू अप्लाई, यानी कि बहुत से लोग चीज़ों को प्रॉपर यूटिलाइज नहीं करते, इसीलिए कुछ चीज़ें हम लोगों ने डेफिनेटली जब आप रिजल्ट्स का क्रिएट करते हैं तो हमारे मेन फोकस ये है कि हमारे दूसरे डॉक्टर्स या कोलीग्स ये सीख सकें। तो जो चीज़ हम काम कर रहे हैं पेशेंट की बेहतरी के लिए तो उस जितना ज़्यादा हम बेहतर सिखाएंगे उतना ज़्यादा वो बेहतर तरीके से ट्रीटमेंट दे सकेंगे और हमारे पेशेंट चाहे वो पेरिफ्री में हैं चाहे वो सिटीज़ में हैं तो वो बेहतर अपना लाइफस्टाइल अपना सकेंगे विद सर्टन डिजीज़ जिस तरह डायबिटीज़ है। इधर मैं एक बात करना चाहूँगा, डॉक्टर उस्मान फाहद उस्मान को हम फिर भी बुलाएंगे एक टॉक शो में, चूँकि ये सिर्फ PRP और स्टेम सेल थेरेपी नहीं करते बल्कि ये कोर्सेस भी करते हैं और मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी बात है कि पाकिस्तान में रहते हुए हमें वो कोर्सेस मिल रहे हैं जिनके लिए वरना हमें दुबई, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस जाना पड़ता है और महंगे दामों में फॉरेन करेंसी हमारे मुल्क से बाहर जाएगी। तो मैं ज़रूर इनको एक नेक्स्ट शो पे बुलाऊंगा जहाँ पर उनसे ज़्यादा तफसील में बात होगी इनकी जो कोर्सेस हैं और इसकी फ़िलासफ़ी क्या है कि जो कुछ इन्होंने सीखा हुआ है, जो इन्होंने अचीवमेंट हासिल की है वो हमारे बाकी जो पाकिस्तान में लोग हैं उन तक कैसे पहुंचाते हैं। तो उस पर मैं अलहदा चाहूँगा कि एक बाकायदा हम एक शो करें और उनसे ज़्यादा तफसील में बातचीत करेंगे। तो ये आप कि एक इलेक्ट्रिकल बर्न एग्जैक्टली दिस इज़ आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग और क्योंकि वूंड मैनेजमेंट बाहर के मुल्कों में एक स्पेशलाइज्ड फील्ड है, पाकिस्तान में अभी भी बहुत ज़्यादा मसला ये है कि मेरे ख्याल में अवेयरनेस नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, अवेयरनेस नहीं है और शायद मे बी आल्सो इट्स टाइम लगता है, इस पर बहुत ज़्यादा एफर्ट्स और कुछ फ्रस्ट्रेशंस भी होती हैं और काफ़ी पेशेंट्स मेरे ख्याल में दे आर आल्सो नॉट अफोर्डिंग, सो मेरे ख्याल में इसमें कुछ चैरिटी भी प्रॉबली होगी, आई डोंट थिंक एवरीबॉडी कैन अफोर्ड एग्जैक्टली। लेकिन मैं डेफिनेटली वी आर डॉक्टर्स, लेकिन हमारे हेल्थ रिफॉर्म्स का बेहतर होना ज़रूरी है। हमारे यहाँ पे ज़्यादातर लोगों को अभी तक, मैं बहुत ज़्यादा अक्सर लोग डॉक्टर से बात करता हूँ कि जो पाँव की निगहदाश्त का डॉक्टर है उसको हम पोडियाट्रिस्ट कहते हैं। अनफॉर्चुनेटली मैंने पाकिस्तान में पोडियाट्रिस्ट का वर्ड सुना ही नहीं जी। सुना है तो अब एक आधा, आजकल के दौर में मैंने सुना है कि एक आधे डॉक्टर जो है वो बाहर से करके कोर्सेज आए हैं, लेकिन अभी भी पब्लिक को नहीं पता कि हमने पोडियाट्रिस्ट के पास क्यों जाना है। इसका मतलब है कि अवेयरनेस प्रोग्राम होना भी ज़रूरी है। क्या है और एग्जैक्टली स्पेशलाइजेशन, लेकिन ये सब चीज़ें जो ज़रूरी हैं ये है हमारे डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी जो हमारी ये सारी चीज़ें देख रही होती हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट लेवल पे हैं, चाहे वो पंजाब लेवल पे हैं या प्रोविंस लेवल पे हैं। तो मेरे ख्याल से हेल्थ रिफॉर्म और उन चीज़ों को बेहतर के अगर फॉर एग्जांपल वो कुछ नहीं कर सकते तो एटलीस्ट जितनी भी फील्ड से रिलेटेड चीज़ें कि अगर फॉर एग्जांपल एक फील्ड एक पाँव के लिए है तो वो इंट्रोड्यूस होनी चाहिए ताकि एटलीस्ट लोगों को पता चले कि सिर्फ ये काम सर्जन का नहीं है। क्योंकि फिजिशियन और सर्जन में जो सबसे बड़ा डिफरेंस हम पाकिस्तानियों को आता है वो ये है कि फिजिशियन ऑलवेज ट्राइज टू गिव मेडिसिन और सर्जन ऑलवेज ट्राई टू यूज नाइफ। तो ये दो चीज़ों की वजह से जो है पेशेंट घबरा जाता है और पेशेंट को फिर ये होता है कि जी ये तो जख्म है, ये तो है ही सर्जन का काम। तो टेक्निकली अब दिस पेशेंट इलेक्ट्रिक बर्न, मैं इसके साथ एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि मैं क्योंकि जब मेरी हाउस जॉब थी तो न्यू हॉस्पिटल लाहौर में पीडियाट्रिक सर्जरी डिपार्टमेंट में मैं काम कर रहा था, तो जब वहाँ बर्न विक्टिम आते थे तो अप्रॉक्सीमेटली अगर 10% भी अगर बर्न है, जो कि 10% बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन उस पर भी मैंने पेशेंट या बच्चों को सेप्सिस पर जाकर डेथ पर जाते हुए मैंने देखा हुआ है। तो अनफॉर्चुनेटली सिर्फ ये मसला नहीं है कि ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा था, अनहाइजीनिकल कंडीशंस, अगेन हमारे हेल्थ सिस्टम को बहुत ज़्यादा बेहतर होने की ज़रूरत है, हमारे गवर्नमेंट लेवल पे भी बहुत ज़्यादा बेहतर होने की ज़रूरत है। इसी वजह से जब प्राइवेटाइज सेक्टर पे पेशेंट जाता है तो वो अफोर्ड नहीं करता और इसी वजह से वो कहते हैं कि जी आप बहुत महंगे हैं, क्योंकि अगर आप एक
एक प्रॉपर वे में अगर कोई ट्रीटमेंट देंगे तो डेफिनेटली उसके एक्सपेंस भी उतने ज़्यादा होंगे। ऑब्वियसली मेरे ख्याल में अगर हम कंपेयर करें वेस्ट के साथ, तो वही ट्रीटमेंट जो बाहर शायद मिलियंस में होगी, पाकिस्तान में लाखों में हो रही है, बट देयर आर सर्टेन मिनिमम एक्सपेंसेस। आपने मशीनरी खरीदनी है, अगर आप पीआरपी करना चाहते हैं, स्टेम सेल करना चाहते हैं, स्टरलाइजेशन पे खर्चा है, एग्जैक्टली, एंड ऑब्वियसली यू हैव टू रन द फैसिलिटी आल्सो, एग्जैक्टली। सो आई थिंक एक्सपेंसेस तो वो हमारे एक अवॉइड नहीं किया जा सकते, जैसे बाकी किसी काम में भी एक्सपेंसेस होते हैं, मगर ये है कि आई थिंक कि ये चीज़ अवेलेबल होना और बजाय इसके कि लोग दुबई जाएं, और exactly. मेरे ख्याल में जो आप काम कर रहे हैं शायद वो इवन दुबई में भी आसानी से नहीं मिलेगा। इट्स जस्ट स्टार्टेड ओवर देयर, इट्स जस्ट स्टार्टेड ओवर देयर बिकॉज वन ऑफ माय कोलीग डॉक्टर राहिद फरहत इज अ प्लास्टिक सर्जन, ही इज आल्सो वर्किंग इन वुंड मैनेजमेंट, और वो भी ही इज अ स्टेम सेल कंसल्टेंट, वो स्टेम सेल्स लेजर्स और वो कंबाइन करके, क्योंकि इट्स अ रिसर्च बेस्ड थिंग, तो वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट। नया फील्ड है, इवॉल्विंग फील्ड है, अभी इसमें एग्जैक्टली आगे जाना है इंशाल्लाह। एग्जैक्टली अब ये वाला पेशेंट जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि इलेक्ट्रिकल बर्न का विक्टिम था, इनका जो वूंड था ये क्रॉनिक हो चुका था, अप्रॉक्सीमेटली कोई 8 मंथ से ये सर्जन के पास जा रही थी और रिजल्ट नहीं अचीव हो रहे थे। जब हमने इनका फर्स्ट यानी कि प्रोसीजर हमने किया तो विद इन 2 वीक्स पेशेंट का वूंड अप्रॉक्सीमेटली 80% हील हो चुका था, बहुत ज़बरदस्त। जब हमने सेकंड इनका किया तो पेशेंट उसके बाद मेरे पास नहीं आया क्योंकि पेशेंट रिकवर कर चुका था, तो पेशेंट को हमने कॉल करके फिर अप्रॉक्सीमेटली कोई आफ्टर 8 मंथ्स मैंने पेशेंट को बुलाया, उनको कॉल करके कि मुझे एंड पिक्चर चाहिए बिकॉज फॉर माई रिसर्च, क्योंकि इसी चीज़ को मैं ऑलरेडी प्रेजेंट करना चाहता था ऑक्सफोर्ड के अंदर, क्योंकि मैंने पेपर अपना प्रेजेंट किया रिगार्डिंग दिस। तो ये उम्र क्या है पेशेंट? पेशेंट वाज अप्रॉक्सिमेटली 6 इयर्स ओल्ड, और इनका एक और जो अक्सर लोग फिर जब कई दफ़ा डॉक्टर्स मेरे से पूछते हैं कि डॉक्टर फाहद के आपने वूंड तो हील कर दिया पर इधर टेंशन है, स्कार में टेंशन मौजूद है, मैं अगेन ये बताऊंगा कि वी हैव मल्टीपल थिंग्स, कि हम लोग बोटॉक्स यूज़ कर सकते हैं टेंशन को रिलीज़ करने के लिए, हम आयल के यानी कि इंट्रालेशन कैनाकॉर्ड यूज़ कर सकते हैं हाइपरट्रॉफिक स्कार के लिए, तो लेकिन डिपेंड करता है कि पेशेंट कई दफ़ा इसी चीज़ से सेटिस्फाइड हो जाता है। लेकिन पेशेंट एक और भी फैक्टर आई थिंक, ठीक है अगर वूंड अंदर तक स्कारिंग भी अगर क्यों ना हो, मगर एस्थेटिकली these two patients cannot be, मतलब these two scenarios cannot be compared. Exactly. अब before अगर देखें, after देखें, इधर तो स्किन बिल्कुल नॉर्मल हो रही है. Exactly. Totally. Exactly. अब अगर 19-20 का फ़र्क भी रह जाए, लेकिन उधर तो ये तो स्कैरी है, अगर मतलब कोई मेडिकल फील्ड से बाहर हो तो उस बच्चे की तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। डॉक्टर मज़र देखें, आपका जो एक पर्सपेक्टिव है वो बिल्कुल करेक्ट है, जिसे मैं डिसएग्री नहीं करता, लेकिन बहुत से लोग अगर मेरे से पूछें तो हम, क्योंकि बेटियां जी बिल्कुल, अब फिर वो बात आती है कि बेटी की बात है, कल्चरल इश्यूज ये है कि आपकी बॉडी पे स्कार नहीं होना चाहिए, अगर ये है तो लोग ये समझते हैं शायद वो अछूत की बीमारी है, तो अगर मैं अगर देखूं तो हम इस स्कार को भी और बेहतर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बोटॉक्स, विद द हेल्प ऑफ इंट्रालेजनल इंजेक्शंस, तो वी हैव प्रोटोकॉल्स, तो हम उन प्रोटोकॉल्स को इस्तेमाल करके अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ें लर्न करने का मकसद ये है कि हम अपनी आवाम को वो सर्व कर सकें, वो चीज़ दे सकें जो कि वो समझते थे कि पॉसिबल पहले, अब पहले नहीं था, अब ये पॉसिबल है। जी डॉक्टर साहब, आपके पास एक हॉट पोरिच बर्न पेशेंट भी है, उसका ज़रा दिखाइए। ये बेसिकली बर्न था, हॉट पोरिच बर्न, पेशेंट इज़ अ नॉन केस ऑफ एपिलेप्सी, और जब इनको अटैक हुआ, मिर्गी का दौरा पड़ा, तो किचन में थी तो पोरिज इनके चेहरे पे गिर गया, जिसकी वजह से इनका जो आप देख सकते हैं कान और इनका चेहरा जो था वो बुरी तरीके से बर्न हो गया था। इन्फेक्टेड इस वजह से था कि 2 हफ्ते से ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जेर इलाज थे, जब वहाँ पे ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं हुआ तो उन्होंने प्राइवेट सेक्टर का या हॉस्पिटल का रुख करने की कोशिश की, तो किसी ने मेरी तरफ रेफ़र कर दिया। रेफ़र करने के बाद हमने जब सिंगल सेशन किया तो 2 हफ्ते के बाद वूंड ऑलमोस्ट क्लियर, ऑलमोस्ट इन्फेक्शन नहीं था। नेक्स्ट अगर आप इसकी 3rd पिक्चर देखें तो ज़्यादातर लोग पाकिस्तान में आपको इस तरह की स्कारिंग मिलेगी, जी जी बिल्कुल, इस तरह की पिगमेंटेशन मिलेगी, और लोग कहेंगे जी इसका इलाज पॉसिबल नहीं है, आप सिंपल क्रीम्स लगा लें, लेकिन क्रीम्स इस पर हेल्प नहीं करती। देन अगेन कम्बिनेशन प्रोटोकॉल, जो लास्ट हम पिक्चर देख रहे हैं जो एंड रिजल्ट है वो विद द हेल्प ऑफ एस्थेटिक्स है, कि मीन्स के अगर हमने एक चीज़ अप्लाई की है वूंड को रोकने में तो एस्थेटिक्स लाइक माइक्रो नीडलिंग, लाइक लेजर्स, लाइक फोटोबायोमोडुलेशन,
तो वो प्रोटोकॉल्स का होना गैर ज़रूरी नहीं है. जी जी, इसका मतलब है कि वो फाइनल टच और एग्जैक्टली कि अगर हमने सोसाइटी में या सोशल इश्यूज़ को काउंटर करना है तो हमें कम्बिनेशन प्रोटोकॉल को देखना पड़ेगा. और हम अल्हम्दुलिल्लाह पेशेंट की बेहतरी के लिए काम भी कर रहे हैं और पेशेंट बेहतर भी हो रहा है. डेफिनेटली 100% हम किसी चीज़ को रिकवर नहीं कर सकते, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली 70-80% to 90% हम पेशेंट के लाइफस्टाइल को भी बेहतर कर रहे हैं और इनको इन्फेक्शन को भी बेहतर कर रहे हैं, उनके स्कारिंग को भी बेहतर कर रहे हैं. अच्छा डॉक्टर साहब, आपके क्रोनिक वुंड पेशेंट भी है, ऑस्टियोमायलाइटिस का पेशेंट है, और ऑस्टियोमायलाइटिस इज़ क्वाइट अ सीरियस डिजीज़ जहाँ पर इवन हड्डियों में भी इन्फेक्शन हो जाता है, उसके काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस भी होती हैं. और मेरे ख्याल में ऑर्थोपेडिक सर्जन्स ऑस्टियोमायलाइटिस के पेशेंट से ज़रा घबराते हैं, चूँकि इसकी मैनेजमेंट इतनी आसान नहीं होती और कॉम्प्लिकेशंस का भी अमकान होता है. तो आप उसके बारे में भी ज़रा अपना कोई एग्जांपल दिखा दें हमें. बेसिकली जब कोई बोन से रिलेटेड चीज़ हो, क्योंकि डॉक्टर की जगह अगर आप किसी और के पास जाएंगे, हकीम के पास जाएंगे, तो आप मेडिकेशंस प्रॉपर नहीं ले सकते. इसके लिए साइनस बेसिकली एक टनल है, एक रापता है जो डीप तक जा सकता है. अगर ये हड्डी का मसला है तो कुछ लोगों को शुगर भी हो सकती है. बिल्कुल. तो उसकी वजह से आपका इन्फेक्शन और कॉम्प्लिकेटेड होगा. बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट है माशाल्लाह.